देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा जो इसका आंसर होगा वो होगा वर। ठीक, जब याद रखिएगा आई विश, ठीक, आई विश, या फिर एज इफ, तो मैं क्या है बता रहा था, आई विश, या फिर आपका एज इफ या एज दाउ, ठीक, एज विश, एज इफ, एज दाउ, या फिर इफ, इस तरह से अगर सेंटेंस बना रहे तो ये क्या होता है, एक आपका कह सकते कि अनफुलफिल कंडीशन जो कि आपने सोचा है, आपने एक ऐसा इमेजिनेशन किया है जिसकी वो जिसका वो पूरा जो वो पूरा होगा ही नहीं, एक ऐसा इमेजिनेशन दैट कैन नेवर हैपन, जो कि कभी पूरा हो नहीं सकता है, वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आई विश दिखा, आई विश यहाँ पे है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग प्लूरल यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से एक से लेकर यहाँ पे जो क्वेश्चन फोर्थ है, 1 to 4 क्वेश्चन में सेम बेसिक पैटर्न पे है। आई विश है यहाँ पे, तो सीधे आपको एक नज़र में अगर देखा कि आई विश, तो यहाँ पे क्या होगा, आई वर अ किंग। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम है, इफ़ से शुरू है, मैंने अभी बताया था कि आई विश वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए इफ़ से शुरू है, इफ़ से यहाँ पे भी शुरू है, इफ़ वाले भी कंडीशन में बताया कि इफ़ के भी जो यहाँ पे कंडीशन, इफ़ आई डैश रिच, इफ़ आई वॉज रिच आई वुड फ्लाई टू मी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे इंट्रोगेटिव टाइप से यहाँ पे भी इस तरह का सवाल बन सकता है कि आपको आगे यहाँ पे रखा जाएगा वर्ब को, जैसे कि यहाँ पे सी अ वर्ड, सी वुड फ्लाई टू मी, तब यहाँ पे क्या करना होगा, वह सी अ वर्ड, सी वुड फ्लाई टू मी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हो गया। अब एज इफ का देख लीजिए, यहाँ पे एज इफ का मैंने बताया था कि एज इफ भी रहेगा यहाँ पे, अगर इस तरह से सेंटेंस में रहेगा कि ही कमांडेड मी एज इफ ही व माई बॉस। ठीक, तो एक से चार क्वेश्चन में आपका सेम बेसिक जो रूल बेस्ड क्वेश्चन था, एक ही पे आधारित था, एक ही रूल पे आधारित था, यहाँ चार क्वेश्चन। आई होप कि आपको इन चारों क्वेश्चन में एक बात समझ में आएगा कि क्या करना है, जब भी आई विश रहे, इफ़ रहे, एज इफ रहे, एज दाव रहे। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह के हम क्या करेंगे, फेलर को करेंगे, क्योंकि देखिए बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में अब बहुत ज़्यादा आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछा जा रहा है। ठीक है, चार सेंटेंस दे दिया जाएंगे, चारों सेंटेंस में कुछ बोला जाएगा एरर है, अब उनमें से चार में से पांच सेंटेंस रहेगा, उसमें से बताना होगा कि आपको किस में एरर नहीं, बाकी चार में एरर है और एक में एरर नहीं। ऐसे कंडीशन में आपको आपके पास इंग्लिश ग्रामर का अप्रोच आना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए 100%। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि मेनी अ मैन डैश विजिटेड हिम, तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, यहाँ पे मेनी ए के बाद, ठीक है, मेनी ए या फिर एन रहे, तो मेनी ए रहे या एन रहे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नाउन जो होगा और यहाँ पे वर्ब क्या होगा। ठीक, ये भी क्या होगा, आपका नाउन भी होगा सिंगुलर में और वर्ब भी क्या होगा, यहाँ पे ये भी होगा सिंगुलर में। ध्यान रखिएगा मेनी ए के बाद या एन के बाद नाउन सिंगुलर में होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो देखिए यहाँ पे मेनी ए के बाद यहाँ पे मैन क्या सिंगुलर में है और वर्ब हमको क्या करना होगा, सिंगुलर में रखना होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन आते हैं सिक्स में। सिक्स में क्या है, मोर देन वन। देखिए अब इस तरह से भी स्ट्रक्चर इस तरह का आ जाए कि मोर देन के बाद, तो मोर देन के बाद जो आपका होगा नाउन, ठीक, मोर देन के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोर देन वन के बाद जो नाउन होगा आपका वो क्या होगा और यहाँ पे वर्ब क्या होगा, तो ये भी सिंगुलर में होगा और यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तब यहाँ पे मोर देन वन के बाद हम मैन के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे मोर देन, देखिए यहाँ पे मोर है और देन है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है कि मोर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद देन रहे फिर वन रहे, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, तब ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे जो होगा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लूरल का, जब आपका मोर, ठीक है, मोर रहे और यहाँ पे जो नाउन रहेगा आपका क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक, और देन वन रहे, तब आपको जो वर्ब का यूज़ करना होगा वो क्या करना होगा, वर्ब का यूज़ प्लूरल में करना होगा। क्लियर, ये तीनों क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे, मेनी ए,
रहे तो क्या होगा, नाउन सिंगुलर वर्ब प्लूरल, लेकिन मोर देन वन रहे तो आपका नाउन या प्रोनाउन क्या होगा सिंगुलर, और वर्ब रहेगा भी आपका यहाँ पे सिंगुलर। बट यहाँ पे सेम कंडीशन मोर देन वाले में, देन से पहले अगर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे अगर दिखे इस तरह प्लूरल में, तब आपको क्या करना होगा, वर्ब आपको प्लूरल रखना होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से एक नया रूल शुरू हो रहा है जो कि सभी यहाँ से लेकर जितने भी क्वेश्चन सभी एक ही रूल पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे बात बात करेंगे विद हो गया, ठीक, एज वेल एज हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया अलोंग विद, अलोंग विद हो गया, फिर आपका टुगेदर हो गया, टुगेदर हो गया, और भी सारे बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी सारे वर्ड हैं जिसको मैं अभी लिखा देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जितने भी यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, चाहे वो इसके बाद लाइक भी हो सकेगा, आपके यहाँ पे एक वर्ड होगा लाइक, ठीक, अनलाइक, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, उसके बाद एंड हो गया, तो इतने सारे वर्ड है। और भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, बट भी होता है, ठीक, एक्सेप्टिव भी होता है, एक्सेप्ट भी होता है, बिसाइड्स भी होता है, बिसाइड्स हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन एडिशन टू होता है, ठीक, इन एडिशन टू होता है, ठीक, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद एंड टू भी होता है ना, सॉरी, यहाँ पे एंड के साथ यहाँ पे आपको करना होगा एंड, सॉरी, एंड नॉट, यहाँ पे नॉट जोड़ लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे नॉट नॉट जोड़ लीजिएगा, तो बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, विद हो गया, एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, ठीक है, उसके बाद टुगेदर हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, बिसाइड हो गया, है ना, बिसाइड, यहाँ पे एस लगाइएगा, बिसाइड्स एस लगा हुआ है, ठीक है, बिसाइड्स यहाँ पे एस लगा हुआ है, बिसाइड्स, फिर उसके बाद इन एडिशन टू एंड नॉट, ठीक, एंड नॉट, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग भी शामिल है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग भी शामिल है इसमें। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड मैंने आपको लिखा है अब उसी पे आधारित है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, जो भी वर्ब आएगा इनके पहले जो यूज़ होगा, इनके पहले जो भी वर्ड आएगा उसके अनुसार, इसके पहले जो भी वर्ड आएगा, बट के पहले या एक्सेप्ट के पहले, जो भी जितने यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा, इस इनसे अगर कोई नाउन या वर्ड कनेक्ट होगा, इससे अगर कोई नाउन या वर्ड कनेक्ट होगा तो पहले वाले फर्स्ट वाले वो जो नाउन होगा या फिर वर्ड होगा या सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वहाँ पे वर्ब फिल होगा। अब देखिए विद यहाँ पे विद से यहाँ पे कनेक्ट है, माई फ्रेंड विद ऑल मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, अब किसके अनुसार फॉर्म मीन्स के वर्ब को फिल कीजिएगा, किसके अनुसार, द ऑल द मेम्बर्स ऑफ द हिज फैमिली के अनुसार कीजिएगा, नहीं बल्कि आपको माई फ्रेंड के अनुसार करना होगा, तो माई फ्रेंड के अनुसार यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करना होगा, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करना होगा। ठीक, अब देखिए फिर एक और आया सेम क्वेश्चन विद से शुरू है, किसके अनुसार होगा, यहाँ पे टीचर के अनुसार होगा और टीचर के लिए यहाँ पे इज होगा। उसी तरह द नोट्रिशियस डकैत विद हिज गैंग मेंबर्स डैश अरेस्टेड, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, द नोट्रिशियस डकैत के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा वॉज। ठीक, मिस्टर सिन्हा विद, देखिए फिर से विद आया, फिर से यहाँ पे विद आया, तो किसके अनुसार होगा, मिस्टर सिन्हा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वॉज प्रेजेंट एट द शो, यहाँ पे वॉज होगा। ठीक, मिस्टर सिन्हा के अनुसार होगा, या फिर देख लिए एज वेल एज से कनेक्ट है, एज वेल एज वाले में बताया था कि एज वेल एज से कनेक्ट है, किसके अनुसार होगा, फिर से ही के अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा, यहाँ पे ही के अनुसार होगा, ही के लिए क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा। ठीक, यहाँ तो आपने समझ गया होगी 12th तक क्वेश्चन। फिर देखिए एज वेल एज का फिर से प्रयोग है, फिर से यूज़ है, यहाँ पे एज वेल एज है, यहाँ पे एज वेल एज, ये यहाँ पे ये जो था सिंगुलर था, ठीक, और ये क्या था, यहाँ पे प्लूरल था, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। ठीक, देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए थे सेम उसी पैटर्न पे अभी भी क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जैसे देखिए एज वेल एज रहेगा तो यहाँ पे द थीव के अनुसार यहाँ पे वॉज होगा, यहाँ पे क्या होगा, द थीव के अनुसार ये वॉज होगा, यहाँ पे ही नो लेस देन यू, अगर यहाँ पे लेस देन रहे तब भी किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार होगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, उसी तरह यहाँ पे द थीव, अब देखिए यहाँ पे थीव एंड से जुड़ा है, मैंने आपको बताया था एंड रहेगा, एंड यहाँ पे देखिए एंड नॉट जुड़ा है। ठीक है, एंड नॉट, एंड नॉट के लिए भी मैंने क्या बताया था कि क्या रहेगा, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला जो होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार होगा, यहाँ पे वॉज होगा। ठीक, फिर देखिए टुगेदर विथ रहे, कनेक्ट रहे, टुगेदर विथ से रहे तो किसके अनुसार होगा, गोपाल जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे
वॉज होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लाइक का भी मैंने बताया था कि लाइक रहे, लाइक से कनेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले ही के अनुसार यहाँ पे होगा ही ड्रिंक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा ही ड्रिंक्स होगा। अब देखिए यहाँ रैदर दैन अगर है तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यू के साथ क्या होगा आर का यूज़ करेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए 100 यहाँ पे 19 तक का जितने भी क्वेश्चन था उसी रूल बेस्ड था। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब देखिए यहाँ पे रूल बेस्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 से आते कि 20 से लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, अगर देख लीजिए नॉट ओनली बट ऑल्सो रहे, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से कनेक्ट रहे सेंटेंस, तो ध्यान रखिए किसके अनुसार होगा, तो बट ऑल्सो के बाद जो होगा ना हिज ब्रदर्स, बट नॉट ओनली और यहाँ पे बट ऑल्सो जो रहेगा, ठीक, तो इसके बाद जो भी यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा, हिज ब्रदर्स के अनुसार होगा, हिज ब्रदर्स यहाँ पे प्लोरल है, ये प्लोरल है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, अब देखिए बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे द टीचर क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, क्लियर। अब यहाँ तक तो हो गया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक नया रूल यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग, जैसे क्या क्या है देखिए, अगर इच रहे, एवरी रहे, इच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, वन हो गया, नो वन हो गया, नो वन के बाद आप एवरी वन कर सकते हैं यहाँ पे, एवरी वन, सम वन, ठीक, सम वन, नोबडी, तो जितने भी आपको मैं वर्ड लिखाया, ठीक है, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ सबके साथ क्या होता है, यहाँ पे सबके साथ सिंगुलर का यूज़ होता है, सबके साथ क्या होता है सिंगुलर का यूज होता है। जैसे देखिए ईच बॉय, ईच से स्टार्ट है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक, ईच ऑफ द बॉयज़, लेकिन यहाँ पे ईच के बाद ऑफ रह जाए, ठीक है, ऑफ के बाद रह जाए तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे नाउन वो या प्रोनाउन, ये तो होंगे प्लूरल में, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे प्लूरल में, देख लीजिए ये प्लूरल में होंगे, लेकिन वर्ब फिर भी क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर ही होगा, जैसे वॉज होगा ईच से शुरू है तो यहाँ पे वॉज होगा, एवरीवन से शुरू है तब भी यहाँ पे क्या होगा नोज होगा, लेकिन हाँ इसके बाद ऑफ रहेगा तो ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ नॉन ही प्रोनाउन आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, एरर इसी पे देता है, यहाँ पे एवरीवन ऑफ यहाँ पे जो बॉयज़ लिखा है वहाँ पे बॉय करेगा, आपको वॉइस लगाना पड़ेगा, ठीक, ईच ऑफ यू, ठीक है, ईच ऑफ यू के बाद यहाँ पे क्या करना होगा आपको यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करना पड़ेगा। नीदर ऑफ द क्लर्क्स, देखिए नीदर के साथ भी फिर मैंने अभी बताया था कि सबके साथ क्या होता है, जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है सबके साथ क्या बताया कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो बस आँख बंद करके यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आइदर के बाद यहाँ पे इधर के बाद यूज़ होगा, वन ऑफ के बाद भी क्या होगा यहाँ पे मैंने वन बताया था, वन ऑफ के बाद भी यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ होगा, वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेयर्स तो प्लूरल होगा वन ऑफ के बाद, लेकिन यहाँ पे जो होगा वन के बाद क्या होगा यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है, वन के बाद क्या होगा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। फिर इधर ऑफ दिस रोड्स क्या होगा इज़ होगा, तो ध्यान रखिए जितने भी ईच हो गया, एवरी वन हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, वन हो गया, जितने भी वर्ड हैं या नो वन हो गया, इनके साथ क्या होगा वर्ब सिंगुलर होगा। 30 तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आगे भी वही सवाल, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, अब देखिए नन ऑफ की बात यहाँ पे की गई है, ठीक, नन ऑफ और एनी ऑफ और नन ऑफ, ये तीन जो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये दोनों के ऐसे एक प्रोनाउन है जो कि क्या होते हैं इनके साथ सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी होता है, एक ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ क्या होता है हम लोग सिंगुलर भी यूज़ करते हैं या प्लूरल भी यूज़ करते हैं, ठीक, तो लेकिन बेसिकली आपको किसके अकॉर्डिंग जाना होगा, आपको सिंगुलर के अनुसार ही आपको सिंगुलर के साथ ही फॉलो करना होगा, क्लियर। तो नन ऑफ देम के बाद क्या होगा यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे, एनी ऑफ द बॉयज़ के साथ इज़ का प्रयोग करेंगे, नन ऑफ द पर्सन के साथ भी यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पे याद है कि ऐसे नॉन प्रोनाउन के साथ हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ करते हैं, बट आपको यहाँ पे किसके अनुसार जाना होगा सिंगुलर के साथ आपको जाना होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगर हो सकता है एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, ठीक है, और उनके पहले सभी के पहले ईच लगा है, तब क्या होगा वहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर होगा, ठीक। यहाँ पे ईच एंड एवरी मैन वूमेन है एंड चाइल्ड, तब भी यहाँ पे वॉज होगा, ठीक है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से एक नया फिर से रूल शुरू हो रहा है, ठीक है, इधर और, ठीक, इधर और,
क्लियर। यहाँ से जो हो रहा है 36 से आपका रूल जो चेंज हो रहा है, इधर और निधर और वाला यहाँ पे कंडीशन अब यहाँ पे लागू होगा। क्लियर, इधर और निधर नॉर वाला कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, लागू होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर इधर और रहे, ठीक, इधर और रहे निधर नॉर रहे, या फिर आपका क्या रहे और से रहे या फिर नॉर से कनेक्ट रहे, ठीक, इधर और से रहे निधर नॉर से रहे और से रहे या नॉर से कनेक्ट रहे, तब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब होगा अपने नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इधर राम और से जुड़ा हुआ है तो किसके अनुसार होगा, फ्रेंड्स के अनुसार। यहाँ पे वर्ब होगा, यहाँ पे ये प्लूरल है, वर्ब क्या है प्लूरल है, यहाँ पे हैव का होगा। नीदर नीदर यू और ही और से कनेक्ट, नॉट से कनेक्ट है तो इसके बाद वाला जो यहाँ पे नाउन यहाँ पे प्रोनाउन है ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा इज होगा। ठीक, फिर उसी तरह इधर सी और से यहाँ पे जुड़ा है, फिर किसके अनुसार होगा, आई के अनुसार होगा और आई के लिए यहाँ पे एम का यूज़ होगा। राम एंड हिज फ्रेंड्स, अब देखिए और के बाद यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव का यूज़ होगा। द बॉयज़, अब यहाँ तक तो 35 से लेकर क्या था 39 तक सेम क्वेश्चन था, इसी रूल बेस्ड था। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कुछ ऐसे होंगे आपका यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जितने भी देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है, नाउन होगा उन्हीं के अनुसार या प्रोनाउन होगा उन्हीं के अनुसार यहाँ पे वर्ब यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए हु के पहले क्या है, द बॉय, द बॉय के लिए, द बॉय के लिए क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के होगा यूज़, यहाँ पे इज होगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे द बॉयज़, हु के पहले क्या है, द बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हु के पहले क्या है, द बॉयज़ क्या है प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ठीक, उसी तरह इट इज़ आई, आई के पहले क्या, हु के पहले क्या है, इट इज़ आई हु के पहले क्या है, आई, आई के लिए एम का यूज़ करेंगे। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु के पहले क्या, प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए हैव का यूज़ करेंगे। ठीक, आई एम वन ऑफ दोज पर्सन हु नेवर, अब देखिए हु के पहले क्या है, यहाँ पे पर्सन है, पर्सन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेल का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि एंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक, एंड से कनेक्ट होते हैं, अगर वो सेंटेंस में एक अर्थ देता हो, दो अलग अलग अर्थ नहीं देता हो, तब क्या हम करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करेंगे, या फिर हम अगर दो का अलग अलग अर्थ देता हो तब हम क्या करेंगे, प्लूरल, एंड से जुड़ा है। ठीक है, देखिए एंड से जुड़ा है, और इससे अगर दो वस्तु की बात हो, दो चीज़ के बारे में अगर पता चले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ एंड से जुड़ा है और सिंगल का बात पता चले तो वहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए द हेड क्लर्क एंड द एंड अकाउंटेंट, अब यहाँ पे समझिएगा द हेड क्लर्क, ठीक है, द हेड क्लर्क एंड से जुड़ा हुआ है तो द आगे लगा हुआ है, द आगे लगा हुआ है, हेड क्लर्क के आगे द लगा हुआ है, लेकिन अकाउंटेंट के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे द नहीं लगा है। अगर यहाँ यहाँ पे द नहीं लगा तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति जो क्या है, क्लर्क भी है, हेड क्लर्क भी है और अकाउंटेंट है, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इज होगा। लेकिन इसके अगर यहाँ पे द होता तो क्या होता, दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता, मीन्स कि दो अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात बात होती, कि मीन्स द हेड क्लर्क एंड द अकाउंटेंट, मीन्स कि कोई एक अलग जो है व्यक्ति जो हेड क्लर्क है, एक दूसरा व्यक्ति वो क्या है, अकाउंटेंट है, तब वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लूरल का यूज़ करते हैं। देखिए उसी तरह का सेम इसी का आधार यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं बताया हूँ कि देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन है पोएट, उसके पहले क्या है, यहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ पे भी द लगा हुआ है, ठीक है, द दोनों में लगा हुआ है, क्लियर, यहाँ पे भी द लगा हुआ है और यहाँ पे भी द लगा हुआ है, तो द लगा करके यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ को बताया गया, मीन्स कि कोई एक व्यक्ति जो अलग पोएट है, दूसरा एक फिलोसफर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। क्लियर, देखिए ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, देखिए रेड के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, एक ब्लैक हॉर्स है, दो नाउन है, ठीक है, एक कैसा है, एक रेड है और काला, एक ही हॉर्स के बारे में बताया गया, एक ही वो हॉर्स है, वो कैसा है, एक रेड है और ब्लैक है, इससे हम सिंगल चीज़ का पता चलता है, वो एक ही का पता चलता है, यहाँ पे इस का यूज़ होगा, सिंगुलर का यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गई, रेड एंड ब्लैक हॉर्स करने का मतलब एक ही हॉर्स है जो कि वो क्या है, रेड भी है और ब्लैक भी है, यहाँ पे इस का यूज़ करेंगे। माई अंकल एंड गार्जियन, अब देखिए माई अंकल होता एंड गार्जियन, इससे क्या पता चल रहा है, एक
ही वो एक ही अंकल जिनके गार्जियन भी वो है और अंकल भी वो है, वैसे कंडीशन में हैज़ का यहाँ पे यूज़ होगा। क्लियर। फोर एंड फोर, फोर एंड टू डैश इज इक्वल टू सिक्स। फोर एंड टू के साथ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बुक में आपको जो ट्रेडिशनल बुक में आर भी मिल जाएंगे, कहीं इज भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसके साथ जाना होगा, सिंगुलर के साथ जाना होगा, यूज़ होगा। टू एंड टू इस तरह के एग्जाम में आता है, टू एंड टू इज इक्वल टू फोर, इस तरह से फोर एंड टू इक्वल इज सिक्स।